नमस्कार दोस्तों, जो इंसान अपनी माँ के सामने झुकता है उसके सामने एक दिन पूरी दुनिया झुकती है। नमस्कार दोस्तों, ओम गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज आपका 2 नवंबर दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, आपको आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा, और आपको बता दें कि आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, और इसके साथ ही साथ आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, और दोस्तों आपको बता दें आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज का पंचांग है 2 नवंबर 2022 दिन बुधवार। आज की तिथि है नौमी। आज का नक्षत्र है धनिष्ठ नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। दोस्तों, आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:33 पर। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 5:35 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 8:45 से दोपहर 12:04 तक रहेगा। अगर दोस्तों आपको कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करिए, आपके लिए शुभ रहेगा। और इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है शाम 4:07 से शाम 4:51 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 4 और लकी कलर है नारंगी और सुनहरा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दें, और आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा व आपसे जय गणपति महाराज जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपका दिन, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को नई शुभकामनाएं देते हैं हम। ये जो महीना चालू हुआ है, सबसे पहले इसकी, दोस्तों ये महीना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, और दोस्तों ये जो दिन है वो बड़ा ही खास रहने वाला है। और दोस्तों, समय बेहतरीन है। आपके व्यक्तित्व के समक्ष विरोधी आपके परास्त होंगे, और आप इस समय अपने काम को बेहतरीन तरीके से संपन्न भी कर सकेंगे। दोस्तों, युवा वर्ग को भी कोई बेहतरीन उपलब्धि इस समय हासिल हो सकती है। इसके साथ दोस्तों, इस समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय होगा आपके लिए, आपको अपने बजट का ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर से संबंधित किसी कार्य में अत्यधिक खर्चा भी हो सकता है। किसी के प्रति अपने मन में इस समय आपको नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस समय जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको रखना चाहिए। दोस्तों, इन चीज़ों में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता होगी। और दोस्तों आपको बता दें, इस समय आपके लिए जो समय होगा, दोस्तों आपको बता दें कि आप पर बना हुआ तनाव खत्म होने की वजह से मन में आपके इस समय प्रसन्नता रहने वाली है। परिवार के किसी व्यक्ति की सेहत में सुधार देखने की वजह से भी आपको तनाव से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। और दोस्तों, जिस समय का आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, वह प्रतीक्षा आपकी खत्म होने वाली है। नए सहयोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बाहे फैला के आप भी उनका स्वागत कीजिए। दोस्तों, आज के दिन नया काम बन सकता है। आप जब भी घर से बाहर निकले तो आपको माता पिता का आशीर्वाद लेकर के निकलना चाहिए, आपकी सफलता जरूर मिलेगी। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में यदि कोई समस्या या फिर अड़चन आ रही थी तो इसके लिए आप अपने किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं, जिसका समाधान आपको मिल ही जाएगा। समाधान पाकर आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। और दोस्तों, आज आप अपनी बुद्धि या फिर विवेक से निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं, आज उन्हें कुछ अधिक काम सौंपे जाएंगे। उन अधिकारों का आपको कुछ भली भांति कार्य करने की आवश्यकता है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है। स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन गिरावट आपकी चिंता का कारण बन सकती है। आप काफी दौड़ भाग करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है जिन्हें कर आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। बाकी दिनों के मुकाबले आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है, और आपको पर्याप्त धन की भी प्राप्ति होने वाली है। पारिवारिक समस्याओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इस बारे में बिना देरी किए हुए बातचीत करें। आपको इस बारे समस्या का हल हो जाने के बाद में घर में जीवन बहुत ही आसान तरीके से चलता रहेगा। परिवार के लोगों को भी प्रभावित करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। और दोस्तों, आप इस दिन को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे।
अगर आप प्यार में डूबने के मौके को आज यूं ही ना गवाएं, तो आपके कामकाज में आ रहे बदलाव के कारण आपको लाभ मिल सकता है। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा हुआ कोई शख्स आज आपसे संपर्क कर सकता है और इस दिन को यादगार बना सकता है। बारिश को रोमांस से जुड़ा माना जाता है। आज आप अपने जीवन साथी के साथ में प्यार की बारिश महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आर्थिक राशिफल की बात कर ले तो आप अपने व्यवसायिक सीमा को बढ़ाने के लिए दिन बहुत ही अनुकूल है। ये वो दिन है जबकि आप अपने कदम धरती पर नहीं टिकेंगे। इस समय पर आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आपका रुझान अपने व्यवसाय और सामाजिक योग्यताओं को बढ़ाने में लगा रहेगा, जो कि दोस्तों आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आपके पारिवारिक जीवन के बारे में तो इस समय पति पत्नी के संबंध मधुर रहने वाले हैं। बच्चों के किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से कोई चिंता रह सकती है। और दोस्तों आपको बता दें, इस समय आपकी लव लाइफ के लिए जो बात होगी, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो बात होगी, दोस्तों आपको बता दें, इस समय जीवन साथी की सलाह या फिर सहयोग आपके मनोबल और कार्य क्षमता को बनाकर रखेगा तथा दोस्तों आपसी संबंधों में भी और अधिक इस समय नजदीकियां आने वाली है। इसके साथ अगर आपके लिए जो समय बता दें, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय है, आपको बता दें कि दोस्तों घर परिवार में वाद विवाद जैसी स्थिति भी उत्पन्न ना होने दें। दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी आपसी सहयोग द्वारा वातावरण को शांतिपूर्ण बनाकर रखें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें, इस समय आपके लिए जो समय होगा, आपके घर परिवार के लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि दोस्तों घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज करें, इससे आपसी संबंध बेहतर रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है परिवार पर इस समय बना रहेगा। और दोस्तों आपके स्वास्थ्य को लेकर बात बता दें, अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों इस समय सिरदर्द या फिर थकान जैसी स्थिति हावी हो सकती है। सर्दी से अपना इस समय बचाव करें तथा उचित खान पान भी इस समय आपको लेना चाहिए। करियर के नज़रिए से शुरू किया गया सफ़र कारगर रहने वाला है, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको अपने माता पिता से इजाज़त ज़रूर ले लेनी है, नहीं तो बाद में आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आज आप प्यार के प्रति आपका रवैया आज नम्र रहने वाला है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशि फल की बात कर ली जाए तो दोस्तों अचानक से टूटा हुआ दिल या फिर रिश्ता आपके स्वप्न को पूरा करने में बाधा बन सकता है, लेकिन दोस्तों आपको अपनी बुद्धिमत्ता और खुद पर विश्वास रखना है। सफलता आपके कदम चूमने वाली है। आपको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में दलाल या फिर एजेंटों की बातों में ना आए। ड्रीम जॉब आपको मिल सकती है, बस धैर्य रखने की आवश्यकता है। पेशेवर रूप से आज आप खुद को दुनिया के शीर्ष पर महसूस करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे में आपको अपने अहंकार को बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी सभी योजनाएं पूरी तरह से हो रही हैं और आप सुखी महसूस कर रहे हैं। एक से ज़्यादा कार्यों पर अपना ध्यान ना भटकाएं। जो कार्य आपने लिया है, पहले उसे संपन्न करने की कोशिश करें। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा व आपसे जय श्री गणेश जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।